Hey guys, hi, this is Jazz and Jalen Siyad coming with another one video guys. And आज की वीडियो में हम comparison करने वाले हैं between Ola Electric S1 Pro and Simple One का जो electric scooter आपको देखने को मिल जाता है, दोनों के बीच में comparison करेंगे और देखेंगे कौन सा बेहतर है। इसी के साथ में guys, इन दोनों ही स्कूटी की launching हो चुकी है, booking start है और जैसे कि petrol के rate बहुत ज़्यादा ही महंगे हो चुके हैं तो सब लोग electric scooter के लिए अभी carry on होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये स्कूटीज में आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है, क्या रेंज देखने को मिल जाती है, कितना प्राइस है, सभी के बारे में बात करेंगे और आपको लेनी चाहिए क्या नहीं लेनी चाहिए, एंड ऑफ द वीडियो इसकी भी बात करेंगे। तो अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर बुकिंग करने की सोच रहे हो या लेने की सोच रहे हो तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड गाइस। सो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकॉन ताकि मैं ऐसे ही जो ऑटो व्लॉग रिलेटेड वीडियोज या फिर फैशन रिलेटेड जो वीडियो लाते रहूं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइज, यहाँ पे कुछ 8 फैक्टर है जिसके बेस पर हम इन दोनों ही स्कूटीज का कंपैरिजन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। तो नंबर 1 इज लुक। सो गाइज, जैसे कि हम लुक्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ओला S1 Pro के हम लुक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल सा कूल सा लुक देखने को मिलता है विथ स्मूथ फिनिशिंग। सो अगर आप एक सिंपल कूल दिखने वाली स्कूटी अपने लिए लेना चाहते हो तो ओला S1 Pro इज बेटर लुकिंग स्कूटी फॉर यू गाइज। बट अगर आप स्पोर्ट टाइप, स्पोर्ट बाइक टाइप या स्पोर्ट बाइक वाली स्पोर्टी लुक वाली स्कूटी अपने लिए लेना चाहते हो तो सिंपल वन की जो स्कूटी है वो आपको एकदम स्पोर्टी सा फील करवाती है, स्पोर्टी लुक है, उसके शार्प एजेस है और एकदम एग्रेसिव दिखती है ये गाड़ी। सो अगर आप स्पोर्टी लुक ज़्यादा पसंद करते हो तो गो फॉर सिंपल वन, एंड अगर आपको सिंपल सी स्कूटी लेना है अपने लिए जो कि बहुत क्यूट सी दिखती हो तो अपना ओला की S1 Pro इज़ द बेस्ट स्कूटी। इसके अलावा गाइस, दोनों ही स्कूटी में आपको फ्रंट एंड रेयर व्हील में डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं, 12 इंच के ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं, अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं। और अगर हम शॉकअप की बात करें तो आपको ओला S1 में सिंगल शॉकअप देखने को मिलता है फ्रंट साइड में, और सिंपल वन में आपको डुअल शॉकअप का सिस्टम देखने को मिलता है फ्रंट साइड में। तो इस तरीके का कुछ स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है। तो गाइस, मोस्ट ऑफ जो इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो उसकी रेंज होती है कि आप जो स्कूटी ले रहे हो वो कितने किलोमीटर चलती है एक सिंगल चार्ज पे। तो ओला की S1 Pro जो दिया गया है कंपनी के ने जो बताया है उसका रेंज, वो बताया है कि अगर आप फुल उसे चार्ज करते हो 6.5 घंटे में रेंज ऑफ 181 किलोमीटर ऑन अ सिंगल चार्ज। वो डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह से चला रहे हो और किस मोड पे चला रहे हो। तो अगर हम मोटा मोटा पकड़ ले, जैसे कि अभी तक इसने जो भी ओनर है या फिर किसी ने भी इसे अभी तक बाय नहीं किया, इसकी अभी बुकिंग ही स्टार्ट है, अभी तक किसी को डिलीवर नहीं हुई है, तो अगर मोटा मोटा पकड़ ले हम, सो ये गाड़ी आपको दे सकती है 140 से 150 के बीच की एग्जैक्ट रेंज जितना मुझे लग रहा है। तो ये आपको 140 टू 150 के बीच में तो एग्जैक्ट रेंज दे ही देगी अगर आप उसे जो नॉर्मल मोड के अलावा जो इको एंड स्पोर्ट मोड में भी चलाते हो। तो बात करते हैं सिंपल वन की। तो सिंपल वन का जो दिया गया है वो रेंज दिया गया है 236 किलोमीटर, जो कि ओला S1 Pro से ज़्यादा है। सो अगर हम सिंपल वन का अगर कंपैरिजन करें, जिसकी ये गाड़ी भी अभी तक के किसी को डिलीवर नहीं हुई है, सिर्फ बुकिंग स्टार्ट है, सो इसमें गाइज आपको जो रेंज देखने को मिलती है 236, तो अगर इसे भी हम मोटा मोटा पकड़ लें अगर आप ऑन रोड इसे चलाते हो रियल लाइफ में, सो वहाँ पे गाइज मुझे लगता है कि आपको 180 टू 190 के बीच में कुछ रेंज प्रोवाइड कर देगी, जो कि अभी भी ओला S1 Pro से आपको ज़्यादा रेंज यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो सिंपल वन में आपको जो रेंज मिलने वाली है वो डेफिनेटली ज़्यादा मिलने वाली है। सो गाइस, रेंज के अलावा दोनों ही गाड़ी की परफॉर्मेंस की बात करें तो ओला का S1 Pro 115 किलोमीटर की टॉप स्पीड आपको प्रोवाइड कर सकता है, वहीं पर सिंपल वन आपको 105 किलोमीटर की टॉप स्पीड प्रोवाइड करता है। ओला का S1 Pro का 0 से 43 सेकंड में पहुंच जाता है, वहीं पे सिंपल वन गाइस 0 से 42.9 सेकंड में, यानी लगभग सेम ही टाइम आपको देखने को मिलता है। सेकेंड फैक्टर की जो कि है बैटरी पावर या बैटरी के जो कैपेसिटी आपको क्या देखने को मिलती है, तो कैसे यहाँ पे आपको लिथियम आयरन बैटरी दोनों ही स्कूटीज़ में देखने को मिलती है ओला में और सिंपल वन में। बट यहाँ पे जो ओला का जो बैटरी साइज़ है वो आपको मिलता है 3.92 किलोवाट का बैटरी साइज़ मिलता है, वहीं पे आपको सिंपल वन में 4.8 किलोवाट का बैटरी साइज़ मिलता है। वो तो ऑफकोर्स आपको मिलने ही वाला था क्योंकि सिंपल वन में आपको जो रेंज मिलती है वो 236 की मिलती है और ओला में आपको जो रेंज मिलती है 181 की मिलती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब ये मार्केट में आएगी, जब लोग इन्हें बाय करेंगे और जब इन्हें लोग चलाएंगे, तो चलाने के बाद एग्जैक्ट ये कंपनी जो रेंज बोली गई है या बैटरी का जो साइज़ बताया गया है इसके हिसाब से वो रेंज दे पा रही है या बैटरी जो दी
की गई है रियल में वो प्रॉपर वर्क कर पा रही है या नहीं। सो बात करते हैं चार्जिंग टाइम की। तो चार्जिंग टाइम की अगर बात करें तो ओला S1 Pro में गाइज आपको 6.5 घंटे लग जाते हैं इस गाड़ी को पूरी तरीके से अपने घर पे जो आपको मिलने वाला है चार्जिंग केबल उससे चार्ज करने में। वहीं पे सिंपल वन को गाइज 7 आवर लगते हैं या 7.5 आवर लग जाते हैं फुल्ली अच्छे तरीके से चार्ज करने में, क्योंकि ऑब्वियसली इसका बैटरी साइज बड़ा है तो थोड़ा टाइम तो कंज्यूम करेगी ही। अब बात करते हैं गाइस हमारे फिफ्थ फैक्टर की जो कि है मोटर पावर। तो यहाँ पे गाइस आपको ओला S1 Pro में जो मोटर देखने को मिलता है वो आपको 8.5 किलोवाट का मोटर देखने को मिलता है जो कि 58 का न्यूटन टॉर्क प्रोड्यूस करता है। सो गाइस यहाँ पे जो आपको मोटर देखने मिल रहा है S1 Pro में वो सिंपल वन से ज़्यादा बड़ा देखने को मिलता है, जबकि आपको सिंपल वन में गाइस 7 किलोवाट का मोटर देखने को मिलता है जो कि 72 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। जैसे कि यू नो आप देख रहे होगे यहाँ पे जो ओला का मोटर बड़ा है पर उसका जो पावर है वो कम है, बट यहाँ पर सिंपल वन का मोटर थोड़ा छोटा है पर उसका जो आपको न्यूटन टॉर्क मिल रहा है वो 72 का मिल रहा है जबकि ओला में आपको 58 का मिल रहा है। तो पावर में दोनों ही गाड़ी एक दूसरे को बहुत कांटे की टक्कर देने वाली है। अब देखना यह है कि जब ये गाड़ी लॉन्च होती है मार्केट में हमारे जो रियल कस्टमर है उनके हाथ में है, जब वो लोग इसका एक वीडियो बना के ऑन द यानी वीडियो जब YouTube पे अपलोड करेंगे तब एग्जैक्ट आपको पता चलेगा कि क्या ये गाड़ियों की रियली सच्चाई है। इसके बाद में गाइस बात करते हैं टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन की अगर बात करें या फिर उसमें जो आपको सेंटर कंसोल मिलता है गाड़ी का, तो वो कंसोल में आपको दोनों ही गाड़ियों में 7 इंच टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है गाइस। उसमें आप अपने सेलफोन से अपनी गाड़ी को इजीली कनेक्ट कर पाओगे, उसमें 4G इंटरनेट वाईफाई थ्रू कनेक्ट करके उसमें भी आप सॉन्ग सुन सकते हो। और इसके अलावा बहुत सारे आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं जिसमें ओला ने रिवील किया है कि उनकी जो स्कूटी है उसमें आपको मिल जाता है 3GB का रैम एंड ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। जैसे कि सिंपल वन ने इसके बारे में कुछ बताया नहीं है पर दोनों में आपको 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है विद बहुत सारे इंफोटेनमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं, नेविगेशन मिल जाता है एंड बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके साथ में ओला में आपको एक टच स्क्रीन में एक बेहतर ऑप्शन ये देखने को मिलता है कि उस टच स्क्रीन को आप अपने मूड के हिसाब से चेंज कर सकते हो, जिसमें आप उसे टच स्क्रीन को अगर स्पोर्ट मोड पे रखते हो तो जो गाड़ी है वो स्पोर्टी साउंड भी प्रोड्यूस करेगी और उसका जो कंसोल है वो थोड़ा स्पोर्टी सा लुक आपको प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके के ऑप्शन आपको ओला में देखने को मिल जाते हैं जो कि सिंपल वन में आपको नहीं देखने को मिलता है। तो इसी तरीके का कुछ डिफरेंस है। इसके बारे में बाद में कहते हैं कि दोनों ही कंपनियां अपनी स्कूटी में कुछ इनबिल्ट फीचर प्रोवाइड करती है उनके बारे में। तो जैसे कि ओला के S1 Pro में गाइस आपको जो इनबिल्ट फीचर मिल जाते हैं तो उसमें मैंने आपको पहला एक बताया ये कि जो उसका सेंटर कंसोल मिलता है आपको जो टच स्क्रीन मिलती है उसमें गाइस आपको कुछ मोड देखने को मिलते हैं जिसमें आप सेंटर कंसोल को सिंपल मोड में रख सकते हो या फिर स्पोर्टी मोड में रखना चाहो तो स्पोर्टी मोड में रख सकते हो, जिसमें जो उस गाड़ी में आपको थोड़ा बहुत साउंड प्रोवाइड मिलेगा या फिर जो एक्सेलेटर तो इसमें साइलेंसर तो इसमें होने वाला है नहीं पर जो आपको साउंड देखने को मिलेगा वो स्पोर्टी देखने को मिलेगा और सेंटर कंसोल जो का जो लुक है वो स्पोर्टी लुक में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके का आपको एक फीचर देखने को मिलता है। इसके अलावा एक गेस्चर आपको ये देखने को मिलता है कि जब आप गाड़ी से थोड़े पास आते हो या फिर गाड़ी के पास आ जाओगे तो गाड़ी अपने आप अनलॉक हो जाएगी और जैसे ही आप गाड़ी से थोड़ा दूर जाते हो तो गाड़ी अपने आप लॉक हो जाएगी। तो इस तरीके का एक फीचर जैसे मोस्ट ऑफ आजकल जो महंगी कारों में आपको देखने को मिलता है तो इस तरीके का एक फीचर आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा गाइस आप इसमें गाड़ी के पास खड़े रह के जैसे कि आपके पास आईफोन होगा या फिर गूगल होगा तो जैसे आप हे गूगल बोल के यूज़ करते हो तो वैसे ही इसमें एक ऑप्शन दिया गया है हे ओला ऐसा कुछ आपको बोलना पड़ेगा तो इस तरीके से वो आपको जो वॉइस है वो रिकॉग्नाइज करेगी और आपको उससे कुछ भी काम करवाना है तो आप वो काम उससे करवा सकते हो। तो इस तरीके का आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके कंपैरिजन में हम बात करें सिंपल वन की तो सिंपल वन में आपको ऐसे कुछ खास फीचर तो देखने को नहीं मिलते पर इसमें आपको एक जो टायर के में आपके कितने एयर है तो टायर में आपके कितना प्रेशर है इस ये चेक करने का एक ऑप्शन यहाँ पे आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाती है कि आपके टायर में अभी हवा की ज़रूरत है या नहीं है, आपके टायर में अभी एक्चुअल में कितनी हवा है। तो ये वाला जो आजकल मोस्ट ऑफ जो महंगी लग्जरी कार है जिसमें आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो ये एक ऑप्शन आपको सिंपल वन में देखने को मिल जाता है। तो इसी तरीके का कुछ कंपैरिजन था गाइस दोनों ही स्कूटी के बीच में। तो बात कर लेते एक लास्ट जो कि बहुत मेन फैक्टर है प्राइस की, यानी जैसे कि ओला के जो ओनर है उन्होंने बोले S1 Pro for 129,999 एंड वी हैव सो ये कुछ चार्ट आप देख सकते हो जो सब्सिडी का है ओला S1 Pro का। इसके कंपैरिजन में हम बात करें सिंपल वन की तो सिंपल वन में आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलने वाली है पर इसका जो प्राइस है वो 1,10,000 बोल सकते हो आप, वो 9,999 गिनने से अच्छा 1,10,000 का कुछ प्राइस होने वाला है जिसमें आपको सब्सिडी का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है गाइस। सो ये कुछ प्राइस है और अगर सब्सिडी हम
ओला की कंसीडर भी करें तभी भी सिंपल वन आपको ओला से सस्ती मिलने वाली है, साथ में बेटर रेंज मिलने वाली है, बेटर अच्छे लुक्स में भी गाड़ी सिंपल वन अच्छी ही दिख जाती है ओला से इसके साथ में ही। बट गाइज यहाँ पे जो ओला है वो आपको 10 कलर प्रोवाइड करता है, वेरियस टाइप ऑफ कलर जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग कलर चूज कर सकते हो। बट यहाँ पे सिंपल वन आपको 4 ही कलर अवेलेबल करवाता है जिसमें आपका रेड, वाइट, ब्लू एंड ब्लैक, ये 4 कलर आपको देखने को मिल जाएंगे मार्केट में उनके, जिसमें आपको रेड कलर शायद ऐसा कुछ है कि वो बैंगलोर या चेन्नई तरफ ही मिलने वाला है ऐसा कुछ है। और सिंपल वन स्कूटी की एक और खास बात यह है कि इसमें आपको एक रिमूवेबल बैटरी पैकअप मिलने वाला है इसके डिक्की के नीचे साइड में या फिर इसके सीट के नीचे साइड में, जिसमें गाइस जो आपने देखा होगा बहुत सारे जगहों पे जहाँ पे जो बैटरी है वो आप एक्सचेंज कर सकते हो ऐसा कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो ऐसा ही कुछ आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि वो रिमूवेबल बैटरी आपको 60 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करने वाली है। तो आपको एक अर्जेंट में कोई पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट हो तो वो बैटरी आपके लिए उसे आप रिप्लेस करके एग्जैक्टली तुरंत ही अपनी गाड़ी को जो पावर प्रोवाइड करके दे सकते हो अगर आपका 60-70 किलोमीटर का रेंज हो। सो यही पूरी दोनों गाड़ियों की कंपैरिजन वीडियो थी गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द बेल आइकॉन ताकि मैं ऐसी वीडियो जब भी लाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप ये दोनों गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हो तो इन सब पॉइंट को आप कंसिडर करना और उसके बाद में आपको जो गाड़ी अच्छी लगती है तो आप ले सकते हो। बट ऐसा हो सकता है कि सिंपल वन के लिए आपको कुछ देर ज़्यादा रुकना पड़े क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं है जितना ओला वालों ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है। जैसे कि वो सबसे बड़ी अभी लेटेस्ट में फैक्ट्री है जो कि ई स्कूटर्स बना रही है, तो मेरे को लगता है कि ओला जल्दी प्रोवाइड कर देगा आपको स्कूटर। तो अगर आपको जल्दी रिक्वायरमेंट है तो आप ओला के लिए जा सकते हो या फिर अगर आपके पास टाइम है तो आप दोनों ही गाड़ी के परफॉर्मेंस का वेट करना, आप 2-3 महीने वेट करना, देखना कि इस दोनों ही गाड़ी में आपको क्या परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। रियल में कंपनी जैसी बातें कर रही है ये गाड़ियाँ, दोनों ही गाड़ियाँ उन सभी फैक्टर पर खरी उतर रही है या नहीं, अगर आपको लगता है कि ये गाड़ियाँ जो बोला गया उस तरीके का परफॉर्मेंस दे पा रही है नाउ आप उन्हें कंसिडर कर सकते हो। क्योंकि आपको एथर के बारे में तो पता ही है, जिनके के नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला काम है, क्योंकि ये गाड़ियाँ आपको 1.5 लाख के रेंज में मिल जाती है और जिसकी रेंज जो बताई गई है वो रेंज बिल्कुल भी ये गाड़ी अच्छी नहीं कर पाती। लुक तो आपको मिल जाता है पर रेंज और कॉस्ट जो आप उसके लिए प्रोवाइड कर रहे हो वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिल पाता, तो वो भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट टाइम गुड बाय गाइज़।